وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। जैसे ही फरिश्तों ने सुना, अर्ज करने लगे, मौला क्या जरूरत है इंसान को पैदा करने की, वो जमीन पर फितना फसाद करेगा, खूरेजी करेगा। ऐ अल्लाह, जमीन पर खूरेजी करेगा, फितना फसाद करेगा, परवरदिगार इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, या अल्लाह बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इबादत के लिए हम हैं, सजदों के लिए हम हैं, या अल्लाह हम मौजूद हैं, फिर इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या है। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, मौला जरूरत क्या है। अल्लाह ने क्या फरमाया, قال إني أعلم ما لا تعلمون। अल्लाह ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। थोड़ा सा अगर आप जुड़ेंगे और तमहीद थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपको मेरी पूरी तकरीर कलुब लुबाब समझ। अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने इंसान को पैदा करने का मुकम्मल इरादा कर लिया और रब का इरादा, वइदा अरादल्लाहु बिशैइन, परवरदिगार का इरादा बड़ा मजबूत मुस्तहकम इरादा होता है। चार फरिश्ते मशहूर हैं, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। चार फरिश्ते मशहूर हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से हुक्म, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, हजरत जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल जाओ जमीन से मिट्टी लेकर आओ। हजरत बुलबुल सिदरा जमीन पर आए मिट्टी लेने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, जनाबे बुलबुल सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन जमीन पर आए मिट्टी उठाना चाहते हैं। जमीन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, है जिब्राइल जमीन से मिट्टी न लेकर जाओ। ऐ जिब्राइल, मिट्टी न लेकर जाओ, इसलिए कि इस मिट्टी से इंसान को अल्लाह पैदा फरमाएगा, इस मिट्टी से इंसान बनेगा, इंसान जमीन पे आके खूरेजी करेगा, फसाद करेगा। ऐ जिब्राइल, मिट्टी न लेकर जाओ। जमीन रोई, गिड़गिड़ाई, बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में चले गए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मिट्टी क्यों नहीं लाए। अर्ज करने लगे, मौला जमीन रोने लगी, जमीन रोई तो मैं खाली हाथ आ गया। अल्लाह ने फरमाया, दूसरे फरिश्ते को हुक्म दिया, जनाबे मीकाईल को हुक्म दिया, ऐ मीकाईल, तुम जाओ, तुम जमीन से मिट्टी लेकर आओ। अब जनाबे मीकाईल आए, उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाना चाहा, जमीन फिर रोने लगी, जमीन फिर गिड़गिड़ाई, रोकर कहने लगी, ऐ मीकाईल, मिट्टी न लेकर जाओ, इसलिए कि इंसान बनेगा, जमीन पे आएगा, खूरेजी करे, फितना फसाद करेगा। जमीन रोई, इन्हें भी रहम आ गया, हजरत मीकाईल भी खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने जनाबे इसराफील को भेजा, वो भी जमीन पर आए, उन्होंने भी मिट्टी उठाना चाहा, फिर जमीन रोई, गिड़गिड़ाई, ये भी खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फरमाया, तुम भी मिट्टी नहीं लाए। अर्ज करने लगे, मौला, जमीन रोने लगी, जमीन गिड़गिड़ाने लगी, ऐ परवरदिगार, इसीलिए खाली हाथ आ गया। अल्लाह ने फिर चौथे फरिश्ते को भेज दिया, जनाबे इजराइल को भेज दिया, वो जमीन पर आए, उन्होंने मिट्टी उठाना चाहा, जमीन फिर रोई, गिड़गिड़ाई। हजरत इजराइल ने फरमाया, ऐ जमीन, तू जितना रोना है रो ले, जितना गिड़गिड़ाना है गिड़गिड़ा ले, मगर याद रख ले, मैं तेरा रोना नहीं देखूंगा, इसलिए कि मुझे रब का हुक्म नजर आता है। तू रोएगी, तेरा रोना नहीं देखूंगा, मेरे सामने मेरे अल्लाह
अल्लाह का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म पेशे नजर है। जब हजरत इज़राइल ने मिट्टी उठाई चले गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह मिट्टी लेकर आ गया। अल्लाह ने फरमाया ये बताओ क्या तुमने मिट्टी उठाई तो जमीन नहीं रोई? कहने लगे मौला जमीन तो रोई थी। कहा फिर तुमको रहम क्यों नहीं आया? अर्ज करने लगे मौला मैंने जमीन का रोना नहीं देखा, मैंने जमीन का गिड़गिड़ाना नहीं देखा। ए परवरदिगार जमीन रोती रही, मुझे तेरा हुक्म दिखाई दे रहा था, मैंने तेरे हुक्म पर अमल किया है। ए मौला जमीन रोई, मैंने जमीन का रोना नहीं देखा। ए परवरदिगार मैंने तेरे हुक्म पे अमल किया है। अल्लाह ने फरमाया ए जनाबे इज़राइल सुनो, आज इंसान को बनाने के लिए, इंसान की तखलीक के लिए मिट्टी तुम लेकर आए हो, आज मिट्टी तुम लाए, तुमने जमीन का रोना नहीं देखा, तुम्हें रहम नहीं आया। ए इज़राइल अब कयामत तक के लिए ड्यूटी तुम्हारी लगेगी, इस मिट्टी से इंसान बनेगा, जमीन रोई तुम मिट्टी लाए। अब कोई भी रोता रहे लेकिन जब जिस्म से जान निकाली जाएगी फिर इंसान को मिट्टी में मिलाया जाएगा। ए इज़राइल ये काम भी तुम्हें दिया जाएगा, कयामत तक के इंसानों के जिस्म से रूह तुम निकालोगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगा दी अल्लाह ने। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, मिट्टी जमीन से उठाई गई, उस मिट्टी से एक मुजस्समा बनाया गया, वो हजरत आदम अली सलाम का वजूद था। तवज्जो है आपकी, समझ में आ रही है बात? हजरत आदम अली सलाम का वजूद तैयार हुआ, पुतला तैयार हुआ, मुजस्समा तैयार हुआ। जमीन के जिस हिस्से से मिट्टी को उठाया गया वो कोई और हिस्सा नहीं था, वही हिस्सा है जहां आज अल्लाह का घर काबा बना हुआ है। ये जमीन का वही हिस्सा था जहां अल्लाह का घर काबा बना हुआ है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी जमीन, इस पूरी जमीन के सेंटर में अल्लाह ने अपना घर काबा बनाया है। सारी रूए जमीन के सेंटर में काबा बनाया है। मेरे आका ने फरमाया जिस तरह इंसान के वजूद में नाफ होती है इसी तरह जमीन की नाफ काबा है, अल्लाह का घर है काबतुल्लाह है। आपने काबे के बारे में, मक्के के बारे में, मदीना शहर के बारे में, इनकी फजीलतें आपने समात की, मैं थोड़ा सा एक दो बातें बयान करके फिर आपको एक पैगाम दूंगा। काबा क्यों बनाया गया? अल्लाह ने फरिश्तों से कहा फरिश्तों में इंसान बनाऊंगा, फरिश्तों ने क्या कहा? या अल्लाह इंसान को पैदा मत कर, वो जमीन पर खुरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया तो फरिश्तों को लगा कि रब हमसे नाराज हो गया, फरिश्तों को लगा कि अल्लाह नाराज हो गया है, उसने कहा था मैं इंसान बनाऊंगा, हमने कहा था मौला मत बना। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का फरमान था, अल्लाह का ऐलान था, मगर हमने दरमियान में कहा अल्लाह मत बना, मत बना, मत बना, फितना करेगा, फसाद करेगा। तो फरिश्तों ने सोचा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। ऐ लोगों जहां जमीन पे काबा है, ये एक काबा जमीन पर है मगर एक काबा और भी है, वो दूसरा काबा कहां? वो आसमान पर है। एक काबा जमीन पर, दूसरा काबा आसमानों पर है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है, इसे काबतुल्लाह कहा जाता है, इसे बैतुल्लाह कहा जाता है, और उस काबे को बैतुल मामूर कहा जाता है। ऐ मेरे अजीजो जब फरिश्तों ने इनकार, जब फरिश्तों ने कहा मौला मत बना इंसान को, तो फरिश्तों से अल्लाह ने फिर फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते।
फिर भी बनाया इंसान को, फरिश्तों को लगा अल्लाह नाराज हो गया। अब फरिश्तों ने कहा क्या करें, अल्लाह को राजी करना है, कैसे राजी करें। अब सारे फरिश्तों ने क्या किया, बैतुल मामूर जो आसमानों पर है, अल्लाहु अकबर कबीरा, सारे फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। मामूर के चक्कर लगाए, तवाफ करने लगे। जब बैतुल मामूर का इन्होंने तवाफ किया, अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों क्या कर रहे हो, मेरे फरिश्तों क्या करने लगे। अर्ज करने लगे, मौला हमें लगा तू नाराज हो गया है, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, तेरी रजा पाने के लिए बैतुल मामूर का तवाफ करने लगे। बैतुल मामूर के इर्द गिर्द घूमने लगे, अल्लाह को फरिश्तों की अदा भी पसंद आई, अल्लाह को फरिश्तों का अंदाज भी पसंद आया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये बताओ क्या तुम इसलिए कर रहे थे कि मैं राजी हो जाऊं। कहा हां मौला इसीलिए तवाफ कर रहे थे कि तू राजी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारी ये अदा मुझे पसंद आ गई, मैं तुमसे राजी भी हो गया, मैं तुमसे खुश भी हो गया। मगर सुनो सुनो, मैंने इंसान को बनाया है, इंसान को जब मैंने पैदा किया है तो इंसान के अमीर में, इंसान की फितरत में एक चीज है कि ये गलतियां करेगा, ये गुनाह करेगा, ये गुनाहों की तरफ राजिब होगा, शैतान इसे बहकाएगा, शैतान वसवसे डालेगा। इसलिए कि शैतान ने उसी वक्त में वादा कर लिया था, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, आलफ बिइज्जती का लउगवियन्नहुम अजमाइन। शैतान ने कहा था ए मौला मुझे तेरे इज्जत की कसम है, ऐ परवरदिगार मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, तेरे बंदों को जरूर गुमराह करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, जमीन पर जब मेरे बंदे रहेंगे, दुनिया में जब मेरे बंदे रहेंगे, ये बंदे मेरे गुनाह करेंगे। ऐ फरिश्तों इन इंसानों से गुनाह होंगे, लेकिन सुनो फरिश्तों तुमने बैतुल मामूर का तवाफ किया इसलिए कि मैं राजी हो जाऊं। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा ही काबा जमीन पर बनाया जाए, जब मेरे बंदों से गुनाह हो जाए, गुनाह करने के बाद मेरे बंदे मेरे घर की तरफ आए, बैतुल्लाह की तरफ आए, जैसे तुमने तवाफ किया ऐसे ही मेरे बंदे आकर तवाफ करें, जैसे तुमने मुझे राजी किया ऐसे ही मेरे बंदे मुझे आके राजी करें। इधर मैं तुमसे राजी हुआ, उधर वो गुनाह करके आएंगे, वो मेरे काबे का तवाफ करेंगे, मैं अपने गुनाहगार बंदों से भी राजी हो जाऊंगा। आएंगे मेरे बंदे गुनाह करके आएंगे, मगर मैं कब राजी हो जाऊंगा, जब वो मेरे घर का तवाफ करेंगे, जब उनकी आंखों में आंसू होंगे, जब वो कह रहे होंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। जब मेरे बंदे पुकारेंगे मुझे, तो मेरी रहमतें अपने गुनाहगार बंदों को आगोश में ले लेगी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। करम ही तो है उसका कि उसने हमें ये मुकद्दस घर काबा अता कर दिया कि जब हम इसका तवाफ करते हैं तो हमारे गुनाहों को अल्लाह मुआफ कर दिया करता। गुनाह तो करता है इंसान, गुनाह तो होते हैं बंदे से। जब शैतान ने कहा था ना मौला तेरे बंदों को गुमराह करूंगा बहकाऊंगा, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया था, शैतान से कह दिया था जा तुझे कयामत तक का वक्त दिया, तू जोर लगा मेरे बंदों को बहका, मगर जो मेरे होंगे, जो सच्ची मोहब्बत मुझसे करते होंगे, तू लाख उन्हें बहका, मगर वो तेरे किसी बहकाए में नहीं आने वाले, वो तेरी किसी बात में नहीं फंसने वाले। तू लाख वसवसे डाल दे, वो नहीं बहकेंगे, वो नहीं फंसेंगे, उन पर तेरे वसवसों का कोई असर नहीं होगा। तो शैतान ने कहा था मौला ये तो मैं भी जानता हूं, तेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे मैं उन्हें बहकाऊंगा मगर उन पर कोई असर नहीं होगा,
लेकिन मौला तेरे वो भी तो बंदे होंगे जिन्हें मैं बहकाऊंगा, वो बहक जाएंगे, जिन्हें मैं गुनाहों की तरफ रागिब व माइल करूंगा, वो गुनाह करने लगेंगे। या अल्लाह इतनों को तो बहका लूंगा, इतनों को तो गुनाहों के रास्तों पे खड़ा कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने उनके लिए भी इंतजाम किया है, तू उन्हें बहकाएगा, उनसे गुनाह हो जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा, वो मेरी बारगाह में आंसू बहाते आएंगे, उनके गुनाह अगरचे जमीनों आसमान के दरमियान जितनी जगह मौजूद है इतने भी अगर गुनाह होंगे और वो रोकर मेरी बारगाह में तौबा करेंगे, मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बंदा आए रब के हुजूर नदामत के साथ, अल्लाह की बारगाह में एक आंसू उसकी आंख से निकल जाए नदामत के साथ, वो अपने रब से आकर कहे मौला गुनाह हो गए मुआफ कर दे। माशाल्लाह उलमाए कराम की आमद हो गई, अल्लाह ताला इन तमाम उलमा को सलामत रखे और लंबी उम्रें अता फरमाए। अरे जोर से कह दो आमीन। तो आपकी बात समझ में आ रही है, उधर बैतुल मामूर इधर बैतुल्ला, उधर फरिश्तों ने तवाफ किया, अल्लाह को अदा पसंद आई, अल्लाह ने कहा फरिश्तों जमीन पर काबा बना दो, जब मेरे बंदे आएंगे गुनाह करके आएंगे मगर तवाफ करेंगे मैं उनसे भी राजी हो जाऊंगा। अब जरा तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को पैदा किया, उसकी तखलीक का मकसद भी बयान किया। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो उसके पैदा करने की वजह भी बयान की, क्या वजह है। अब मैं आपको रब का कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा कुरान मजीद में ऐलान करता है وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ। اللہ نے اعلان کر دیا, پروردگار نے فرما دیا ہم نے انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے। आज अगर हम अपने आप पे नजर डालें, हम सारे काम करने को तैयार हैं मगर इबादत करने को तैयार नहीं। हर काम हम शौक के साथ करने को तैयार हैं मगर इबादत करने को तैयार नहीं। ऐ मेरे अजीज, रब ने पैदा किया तो पैदा करने का मकसद भी कुरान में बयान कर दिया, और पैदा किया तो अल्लाह ताला ने हमसे गुनाह होंगे इसलिए अल्लाह ने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। अल्लाह तो कितना मेहरबान है, वो तो अपने बंदों को बुलाता है, वो तो अपने गुनाहगारों को पुकारता है। ऐ मेरे अजीजों, पढ़ो रब का कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान तुम्हें बताएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुकद्दस किताब अता की है, कुरान अल्लाह ने दिया है, मुस्तफा की अहादीस मौजूद है, आओ पढ़ो तो सही, जरा देखो तो सही, ईमान ताजा होगा। अल्लाह की कसम ईमान को तकवियत मिलेगी। अल्लाह तो गुनाहगारों को पुकारता है, ऐ मेरे गुनाहगारों आओ, अल्लाह की रहमतें गुनाहगारों को तलाश करती हैं, ऐ गुनाहगारों आओ आओ, जरा एक आंसू तो आंख से निकालो, जरा रब से तौबा तो करो, फिर देखो रब कितना मेहरबान है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ऐ मेरे गुनाहगार बंदे, ऐ मेरे गुनाहगार बंदे, तूने गुनाह तो कर लिए हैं मगर आ जरा पलट कर आ जा, तेरे रब की रहमतें आवाज दे रही है, तेरे परवरदिगार की रहमतें बुला रही है, आ जा मेरे बंदे, आ जा मेरी बारगाह में नदामत के दो आंसू बहा दे, आकर देख तो सही तेरा रब कितना करीम है। सुभान अल्लाह, बहुत को माशाल्लाह, कितना करीम है अल्लाह, कितना बंदों पे करम किया करता है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है, हुजूर फरमाते हैं
70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। कितना? 70 माओं से ज्यादा। क्या मतलब? क्यों? वजह क्या है? क्यों करता है इतना प्यार? गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मैसर तेरी रहमत का सहारा। सुस्त हैं आप, कोई फिक्र है? घर इंतजार कर रहा है कोई? जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। प्यार किया करता है। क्या मतलब? क्यों करता है 70 माओं से ज्यादा प्यार? ए लोगों देखो तो सही, एक माँ का प्यार क्या है? एक माँ की ममता क्या है? माँ की ममता के समंदर की गहराई को कभी कोई नाप नहीं सकता है। 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखती है, सारी तकलीफें सारे दर्द झेलती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है, बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। अपना खाना पीना सब कुछ सारा शेड्यूल चेंज कर देती है, बच्चे को तकलीफ न पहुंचे। उसकी कुर्बानी तो देखें, उसका प्यार तो देखें, उसकी ममता तो देखें। 9 महीने तक ना अपनी मर्जी से खाती है, 9 महीने तक ना अपनी मर्जी से कदम रखती है, बड़े सलीके से चलती है, बड़े सलीके से उठती बैठती है, बड़े सलीके से हर काम करती है। किस लिए? कि बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। दर्द भी बर्दाश्त करती है, तकलीफों को बर्दाश्त करती है। ये एक माँ की ममता है, ये एक माँ का प्यार है। फिर जब बच्चे की विलादत होती है, फिर जब बच्चे की पैदाइश होती है, बड़ा दर्द होता है माँ को, बड़ी तकलीफ होती है माँ को। दर्द से उसी को कहा जाता है। उस तकलीफ को आप समझ नहीं सकते, उस तकलीफ का अंदाजा नहीं किया जा सकता। ए मेरे अजीजों सुनो, उस तकलीफ को अगर समझना है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बड़ी सख्त गर्मी थी, बड़ी तेज धूप थी, या रसूल अल्लाह इतनी तेज धूप कि अगर चट्टान के ऊपर गोश्त का टुकड़ा डाल दिया जाए, आका वो भुनकर कबाब बन जाए। इतनी सख्त गर्मी, इतनी तेज धूप थी, मगर आका मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया, मैं माँ को घर से लेकर चला। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ को हज कराने के लिए लाया, मैंने माँ को काबे का तवाफ कराया, मैंने कांधों पे बिठा रखा था, माँ को काबे का तवाफ कराया। उतनी गर्मी और उतनी धूप में मैं फिर उसी आलम में हज करा के माँ को लेके गया। या रसूल अल्लाह, मुझे इतना बता दो, क्या माँ का हक अदा हो गया? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, तू कहता है माँ का हक अदा हो गया। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, माँ के हक की बात न कर। जब तू पैदा हुआ था, तेरी विलादत के वक्त में तेरी माँ ने तेरी विलादत के वक्त में जो दर्द बर्दाश्त किया और उस दर्द से जो उसकी चीख निकली थी, मेरे आका ने फरमाया, अभी तो उसे एक चीख का भी हक अदा नहीं हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो उसे एक चीख का भी हक अदा नहीं। ये माइक बार बार सीटी मारना है, क्या है? समझ में बात नहीं है। माइक अच्छा है, थोड़ा सा सेटिंग कर दो। एक चीख का भी अभी हक अदा नहीं हुआ है। अब सुने जरा, ये एक माँ की मोहब्बत है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चे की विलादत हो गई, उसके बाद में फिर माँ की ममता देखें क्या है। माँ
अपना खून दूध की शक्ल में अपने बच्चे को पिलाती है। माँ खुद गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। जब सारा बिस्तर गीला हो जाए तो बच्चे को छाती पे सुलाती है। माँ की मोहब्बत क्यों करती है इतना प्यार? माँ क्यों करती है इतनी मोहब्बत? क्या वजह है इस मोहब्बत का? रीजन क्या है? ऐ लोगों याद रखना, एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार क्यों करती है? एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत क्यों करती है? इसलिए करती है कि उसने जन्म दिया है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार इसलिए किया करती है कि उसने जन्म दिया है। जन्म देने वाली माँ जब अपने बच्चे से इतना प्यार करे तो वो परवरदिगार जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जिसने खल्क किया है, वो रब कितना प्यार करता होगा? वो इतना प्यार करता है कि मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता बंदे से। अल्लाह कहता है आ तो सही, मेरी बारगाह में आ तो सही, दो आंसू नदामत के तेरी आंखों से निकलेंगे, फिर देख मेरा करम। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वालिये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे की आंख से नदामत के दो आंसू निकलते हैं, मेरे आका ने फरमाया वो दो आंसू जो अल्लाह के खौफ की वजह से निकले, वो दो आंसू कल कयामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अरके इन्फियाल के, दो आंसू आंख से निकले। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे आ जरा, आ मेरी बारगाह में नदामत के साथ आ जा, गुनाह जितने भी ज्यादा हो मगर मेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। अल्लाह की रहमत की वसात क्या है कोई अंदाजा नहीं कर सकता, रब की रहमतों की वसातों को कोई नाप नहीं सकता है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान की तखलीक की। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا زمین؟ زمین پر۔ مگر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا کہاں؟ जब पैदा किया तो जमीन पर तो नहीं भेजा ना, फौरन कहां रखा? जन्नत में रखा। पैदा किया तो अल्लाह ने कहा मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा, मतलब तो साफ हो गया था उसी वक्त हजरत आदम अलैहि सलाम को पैदा ही इसलिए किया गया है कि जमीन पर रखा जाएगा, पैदा ही इसलिए किया गया है कि जमीन पर आबाद किया जाएगा, मगर अल्लाह ने जन्नत में रखा। जन्नत में रहे, अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाओ, जन्नत में रहो, जन्नत में सारी आसाइशें मौजूद हैं, तमाम आसाइशें जन्नत के अंदर मौजूद हैं। मगर क्या होता है कि इंसान की फितरी बात है, फितरत का तकाजा है, सारी दुनिया की आसाइशें हों और हम जिन्स कोई ना हो तो उसका दिल नहीं लगता। किसी आदमी को तुम जंगल में छोड़ के आ जाओ जानवरों के दरमियान, क्या उसका दिल लगेगा? इंसान का दिल इंसानों में लगता है, इसलिए कि इंसान ही इंसान का हमजिंस है, तो हमजिंस में दिल लगेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हमजिंस तो कोई था ही नहीं,
पहले आदमी हैं आप, दूसरा तो कोई इंसान ही नहीं था। अल्लाह ने रख दिया जन्नत में, तमाम आसाइशें थी, तमाम चीजें थी, जन्नत का हुस्न, जन्नत की रानाइयां, जन्नत की रंगीनियां, जन्नत की रौनकें, जन्नत की बहारें, सब कुछ था, मगर हजरत आदम का दिल ही नहीं लगता था। तो परवरदिगार तो सब जानता है। एक रोज जन्नत में सो रहे थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी बाई पसली से जनाब हजरत हव्वा को, तुम्हारी मेरी माँ को पैदा कर दिया। बाई पसली से अल्लाह ने पैदा किया, बाई पसली से ही क्यों पैदा किया और पसली से ही क्यों पैदा किया? अल्लाह चाहता तो सर के हिस्से से पैदा करता, अल्लाह चाहता तो पैरों की तरफ से निचले हिस्से से पैदा कर देता। और अल्लाह ने आदमी बनाया तो मिट्टी से बनाया, और औरत बनाई तो मिट्टी से नहीं बनाई, पसली से बनाई। आदमी बनाया तो मिट्टी से, और औरत बनाई तो पसली से। हालांकि वो जिस पसली से निकली वो पसली आदम की, और आदम की असल मिट्टी, तो गोया असल तो उनकी भी मिट्टी। लेकिन आदम का मुजस्समा तैयार किया था, आदम को जिस तरह मिट्टी से बनाया था, फिर रूह डाली थी, ये प्रोसेसिंग नहीं थी। इस तरह से अल्लाह ने हजरत हव्वा को नहीं बनाया। बनाया कैसे? हजरत आदम सोए हुए हैं, अल्लाह ने बाई पसली से जनाब हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। जन्नत में जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, देखा बाई पसली से हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। जनाब हजरत आदम की आंख खुली, बेदार हुए, देखा जनाब हजरत हव्वा बैठी हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन हो तुम? कहने लगी मैं औरत हूँ। हजरत आदम ने फरमाया किस लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया? कहने लगी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हम जिंस जब नजर आया तो कुर्बत बढ़ी, आपने छूना चाहा, आपने हाथ बढ़ाना चाहा, मगर अल्लाह ने फरमाया आदम जरा रुक जाओ, आदम जरा ठहर जाओ, अभी हव्वा को हाथ न लगाना, इसलिए कि हव्वा तुम पर अभी हलाल नहीं हुई है। या अल्लाह बनाई तो मेरे लिए, पैदा तो मेरे लिए किया, फिर छूना किस लिए नहीं? अल्लाह ने फरमाया आदम ऐसे नहीं छूना, अगर छूना है तो पहले हव्वा का मेहर अदा करना पड़ेगा। ए मौला मेहर क्या है हव्वा का? अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मौला मेहर क्या है जनाब हव्वा का? अल्लाह ने फरमाया मेहर ये है कि मेरे महबूब आखिरी पैगम्बर, महबूब खुदा, ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया की बारगाह में 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, या बाज रिवायात के मुताबिक 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। ए लोगों गौर करो, पहले इंसान का जब निकाह हुआ है, जब पहली औरत किसी मर्द पर हलाल हुई है, तो अल्लाह ने मेहर क्या रखा? नबी पर दुरूद पाक पढ़ना। नबी पर दुरूद पाक पढ़ा गया तब हजरत हव्वा हलाल हुई, नबी पर दुरूद पढ़ा गया तब इंसानियत को फरोग मिला, नबी पर दुरूद पढ़ा गया तब नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। तो पता चला नस्ल इंसानी के खमीर में दुरूद शामिल है। इंसान के खमीर के अंदर दुरूद शामिल है। अब वो लोग जो दुरूद के मुनकिर हैं, उन्हें बता दो कि दुरूद का इनकार न करना, वरना असल से चले जाओगे। आदम का सच्चा बेटा, हव्वा का सच्चा बेटा अपने माँ बाप का निकाह नहीं भूल सकता, उनके निकाह के मेहर को नहीं भूल सकता, और अपने दुनिया में आने का जो रीजन है, जो निकाह है, जो सबब है, उस निकाह में दुरूद पाक नबी पर पढ़ा गया। एक सच्चा मोमिन, सच्चा अल्लाह का सच्चा बंदा, सच्चा मोमिन, हजरत आदम का सच्चा बेटा कभी अल्लाह तबारक व ताला के पैगम्बर के उस निकाह को नहीं भूल सकता है। लिहाजा वो जब तक जिंदा रहेगा अपने बाप आदम की सुन्नत पे अमल करता रहेगा और मुस्तफा करीम पे दुरूद पढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब हजरत हव्वा को बाई पसली से पैदा किया, मिट्टी से नहीं बनाया,
मिट्टी से आदम को बनाया, आदम से हव्वा को बनाया। ये औरत का तकद्दुस अल्लाह ने बयान कर दिया, औरत के तकद्दुस का अल्लाह ने किस तरह से ऐलान किया, सारी दुनिया को बता दिया। फरिश्ता मिट्टी उठाकर लाएगा तो उसे पता होगा कौन सी मिट्टी ला रहा हूं, कहां से ला रहा हूं, देख कर लाएगा। पर्दा कोई नहीं रहेगा, अल्लाह ने पर्दे का इंतजाम भी कर दिया। मिट्टी तो फरिश्ता लाया है, मगर उस मिट्टी से आदम को बनाया है, अब आदम की पसली से हव्वा को बनाया है। उस मिट्टी को पहले बहुत गूंदा गया था जब आदम का पुतला बना था, अब फरिश्ता भी नहीं समझ सकता कि मिट्टी कौन सी मिट्टी जिससे हव्वा को पैदा किया गया है। अब फरिश्ते को भी पता नहीं है कि मिट्टी कौन सी है, किस हिस्से की मिट्टी है, जो मैं मिट्टी लाया था उस मिट्टी में कौन सी मिट्टी जिससे हव्वा को बनाया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरा रीजन ये है, दूसरा सबब ये है, अल्लाह ने पसली से पैदा किया इसलिए पैदा किया कि पसली दिल के करीब होती है, बाएं जानिब दिल होता है, बाएं पहलू में दिल होता है, और दिल के करीब पसली होती है। अल्लाह ने पैरों की तरफ से पैदा नहीं किया कि इंसान पैर की जूती न समझने लगे, इंसान ने अल्लाह तबारक व ताला ने सर के हिस्से से पैदा नहीं किया कि इंसान अपनी औरत को सर का ताज न बना ले। अल्लाह ने सीने के करीब, दिल के करीब पसली से पैदा किया और बता दिया ए इंसान, न पैरों की तरफ से पैदा किया गया, न सर की तरफ से पैदा किया गया। लिहाजा याद रखना, न पैर की जूती समझना, न सर का ताज समझना, ये दिल के करीब से पैदा किया है। औरत को हमेशा दिल में बसा के रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, फिर अल्लाह ने इन्हें जन्नत में रखा। हजरत हव्वा जो पैदा हुई है जन्नत के अंदर पैदा हुई है। कुछ बातें आ रही है मेरे जहन में, बयान कर दूं? बोलो भाई, सुनना चाहते हो? की पैदाइश कहां हुई है? जन्नत के अंदर। मर्द जन्नत में पैदा नहीं हुआ, औरत जन्नत में पैदा हुई। और तो अपने मुकद्दर पे नाज करो, मर्द जन्नत में पैदा नहीं हुआ, औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। क्यों पैदा किया? क्यों पैदा किया? आप सुनो, उलमा ने बयान की है इसकी वजह, बयान फरमाई मुफस्सरीन इकराम ने, इसके रीजन दिए हैं, सबब बयान किए हैं क्यों अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। इसलिए अल्लाह ने जन्नत में औरत को पैदा किया कि औरत जन्नत में पैदा हो, जन्नत का हुस्न देखे, जन्नत की रंगीनियां देखे, जन्नत की रानाइयां देखे, जन्नत की आसाइशें देखे, जन्नत का रंग देख ले, जन्नत की खूबसूरती देख ले, जन्नत की हुस्न को देख ले। जब जन्नत का हुस्न देख लेगी, जन्नत की बहारों को देख लेगी। अल्लाह ने इसीलिए तो जन्नत में पैदा किया। ऐ औरत, दुनिया की पहली औरत है, जन्नत में पैदा कर रहा हूं, जन्नत को देख ले। जब दुनिया में जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। जब दुनिया में जाना अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मिसले जन्नत बना देना। अल्लाह ने जन्नत में इसलिए पैदा किया कि घर को जन्नत का नमूना बना देना। मगर आज की औरत देखो, इसने घर में वो महाभारत शुरू की, लगता कहीं से जन्नत का नमूना घर। जरा सी बात पे हाय 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 हाय, इस कदर है घर के अंदर। अल्लाह ने जन्नत में पैदा करके सबक दिया था, घर को जन मिसले जन्नत बना देना, इसने नहीं बनाया। एक वजह तो ये मैंने आपके सामने बयान कर दी, दूसरी वजह सुनो। अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि कायनात की पहली औरत जन्नत में पैदा हुई है। जन्नत के अंदर हूरे मौजूद हैं। हूरों के बारे में तो जानते हो, हूरों के बारे में तो सभी जानते हैं। हूरों का नाम बड़ा सुना, हूरों का तज़किरा बड़ा सुना, मगर सुनो हूरों की खूबसूरती क्या है।
अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, अगर सिर्फ हूरों की खूबसूरती पे और जन्नत की खूबसूरती पे बात करने लगूं ना तो पूरी रात गुजर जाएगी, मगर जन्नत का हुस्न बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत में हूरों को रखा है। हूरे क्या हैं? अल्लाह की एक मखलूक है, बड़ी खूबसूरत, किस कदर खूबसूरत। अल्लाह ने नेक परहेजगारों के लिए हूरों को जन्नत में रखा है। हूरों की खूबसूरती मेरे आका ने बयान फरमाई, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मौत एक बार आती है। कितनी बार आती है? एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया में मौत आएगी। एक बार मौत आई, बंदा कब्र में चला गया। कब्र में जाने के बाद में अच्छे अमल किए तो जजा अच्छी मिलेगी, अमल अच्छे नहीं है तो कब्र से ही सजा मिलेगी। लेकिन कब्र से आगे बढ़ो, हश्र में पहुंचो, फिर जन्नत और दोजख का फैसला होगा। कौन कहां जाएगा? जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोजखी दोजख में जाएंगे। मगर मेरे अजीजों गौर करो, इधर जन्नतियों की कतार लगी है, इधर दोजखियों की कतार लगी है। दोजखी दोजख में चले गए, जन्नती जन्नत में चले गए। जन्नत में जो गए उनके बड़े मजे, जन्नत में जो गए उन्हें बड़ी बहारें मिली, जन्नत में जो गए उन्हें बड़ा हुस्न मिला, जन्नत में जो गए अल्लाह ने जन्नत के महल दिए। जन्नत जन्नत कौन सी जगह है? जहाँ दूध की नहरें बहती हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहाँ शहद की नहरें बहती हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहाँ जहाँ हर बेहतरीन चीज मौजूद है। तमाम मेवाजात जन्नत के अंदर मौजूद है, तमाम किस्म की अच्छी ग़िज़ाएं जन्नत में मौजूद है, सब कुछ जन्नत के अंदर मौजूद है। ऐ मेरे अजीज़ो वो जन्नत है, मगर जन्नती जन्नत में होंगे, एक फिक्र उन्हें लगी होगी। एक फिक्र जन्नत के अंदर तमाम जन्नतियों को लगी होगी, वो कौन सी फिक्र होगी? जन्नती इस फिक्र में होंगे कि यार जन्नत में आए हैं, जन्नत की बहारें मिली हैं, अब उन्हें डर ये होगा कि कहीं मौत ना आ जाए। क्या डर होगा? डर ये होगा कहीं मौत ना आ जाए। जो कुछ ये जन्नत में बहारें मिली हैं कहीं हमसे छिन ना जाए। मगर मौत तो एक बार आएगी, दोबारा तो जन्नती भी डर में होंगे कि कहीं दोबारा मौत ना आ जाए। और उधर जहन्नम में जो लोग गए वो जहन्नम में इस फिक्र में लगे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार बड़ा अजाब है, बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, काश एक बार और मौत आ जाए, एक बार मौत आ जाए तो इन अजाबात से छुटकारा मिल जाए, अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। मगर मौत तो एक बार आएगी, दोबारा मौत नहीं आएगी। अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुनो, अब सुनो जरा तवज्जो से। जन्नत के अंदर जन्नती पहुंच गए, हूरे जन्नतियों को मिल गई, मगर सुनो सुनो, जब हूरे जन्नतियों के सामने आएंगी, जब पहली बार जन्नती किसी हूर को देखेगा, फरमाया गया दूसरी बार मौत तो नहीं आएगी, मगर जन्नती जब देखेगा उसकी कैफियत ये होगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फरमाया मेरे आका ने, अगर एक मर्तबा के अलावा दोबारा कभी मौत आती तो जन्नत में आदमी उस वक्त मर जाता जब वो पहली मर्तबा किसी हूर पे नजर डालता, उसका हुस्न देख के ही उसे मौत आ जाती, उसका हुस्न देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतनी खूबसूरत है जन्नत की हूरें। फरमाया गया जन्नत की हूर अगर अपनी एक उंगली दुनिया के अंदर जमीन पे यूं जाहिर कर दे, एक उंगली जमीन पे दुनिया में जाहिर कर दे, मेरे आका ने फरमाया उसकी हुस्न, उस उंगली की चमक, उसकी तजल्ली, उसके हुस्न के सबब आसमान की जो ये चांद, जो आसमान पर सूरज है, इसकी रोशनी फीकी पड़ जाए। उसके हुस्न के सामने
चांद की चांदनी फीकी पड़ जाए। मेरे आका ने फरमाया अहले दुनिया उस चमक को उस तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये हुस्न है हूरों का। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर जन्नत की हूरों में एक बड़ी हूर है जो मलका है तमाम हूरों की, उस हूर का नाम लाइबा है। तो हूर है वो खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को पैदा किया जन्नत में रखा, तो रीजन ये भी है। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सरीन इकराम बयान फरमाते हैं कि जन्नत में हूरे हैं, हूरों का हुस्न ये है, हूरों का हुस्न ये है। अल्लाह ने जन्नत में इसलिए औरत को पैदा किया कि ये जन्नत में पैदा होकर एक तरफ जन्नत को देख ले और दूसरी जानिब ये जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले, उनका संवरना देख ले, उनका सजना संवरना देख ले। जन्नत में हूरों को सजना संवरना उनके रहने का सलीका देख ले, जिस तरह वो सज संवर के रहती है, ये भी जब जमीन पर जाए अपने घर के अंदर अपने शोहर के लिए इसी तरह से सज संवर के रहे, तैयार होके रहे, ताकि इसका शोहर इसे देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाएं। सज सवर के रहे, खूबसूरत बन के रहे, ताकि इसका शोहर देखे तो उसके दिल को सुकून मिले, शोहर देखे तो दिल खुश हो जाए। अल्लाह ने तो जन्नत में पैदा किया कि सज सवर के रहे, मगर हमारे यहां चच्चड़ जमे पड़े हैं जिस्म पे मैल के, मगर नहाने को तैयार नहीं है। आदमी घर में आया, बीवी को देखा, रास्ते में सोच के आया था बीवी को देखूंगा तसल्ली मिलेगी, मगर जैसी आके देखा इसका चेहरा देख कर ही वो दंग रह गया। बुरी हालत में, कपड़े गंदे मैली कुचैली और फूकी हुई बैठी है बिल्कुल गुस्से में। इसने आके देखा क्या बात है, कैसे गुस्से में बैठी है, कहने लगी तुम मुझसे बात ही मत करो, कलाम ही मत करो, कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हारी अम्मा ने मुझे यूं कह दिया, तुम्हारे भैया ने मुझे यूं कह दिया, तुम्हारी भाभी वो मेरी बेइज्जती करती है, और तुम अपनी अम्मा में, तुम अपने भाइयों में, अपनी भाभियों में लगे रहते हो। यही तो शिकायतें होती हैं, घर घर की यही तो शिकायतें हैं। अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया औरत को, अल्लाह चाहता कहीं और भी पैदा कर देता ना, मगर अल्लाह ने जन्नत में पैदा। आज भी अपने अपने घरों में अपनी अपनी बीवियों को, अपनी अपनी बहनों को बताओ, अपनी अपनी माओं को बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में पैदा किया, तो वही घर को जन्नत का नमूना बना दो। अल्लाह ने जन्नत में इसीलिए पैदा किया कि तुम घर को दुनिया में आके जन्नत का नमूना बना दो। जिसलिए पैदा किया, तुम उस काम में बिल्कुल बेकार नजर आती हो। अल्लाहु अकबर, गौर करो, अल्लाह ने हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया, हजरत आदम तो जन्नत में पहले से मौजूद, दोनों का निकाह भी हो गया, निकाह भी हो गया, मगर अब जमीन पे तो आना है, तो कुदरत अल्लाह की देखें। अल्लाह चाहता तो यूं ही जमीन पे भेज देता, मगर उसके राज वो जाने, गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो अल्लाह की शान है, ए खालिक कुल, आप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे,
इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू, इशारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरारे ज़बीही की इताअत का गवाह तू, बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने, जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू, एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू, कुरान की आयात ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू। अल्लाह ने जमीन पर तो भेजना है इसलिए कि पैदा ही इसलिए किया है कि जमीन पर भेजना है, पैदा ही इसलिए किया जमीन पर भेजा जाएगा, इसीलिए तो फरमाया फिल अर्द खलीफा, फिल अर्द खलीफा, जमीन का खलीफा बनाया है तो जमीन पर ही भेजना है। मगर रब की कुदरत देखो, अल्लाह के राज वो जाने, अल्लाह ने भेजा तो किस तरह से भेजा। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितनी चीजें एक इस वाकये के अंदर हमें और आपको देखने को मिलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उधर शैतान की दुश्मनी आदम अलैहिस्सलाम से, इसलिए कि जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो शैतान अकड़ गया, इसे गुरूर हो गया, कहने लगा आदम मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मैं अफजल हूं, मैं बेहतर हूं। आज दुनिया में आज हम अपनी हालत देखें, हर मुसलमान बस यही कहता है मैं अफजल हूं, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं, दूसरे को कोई कुछ नहीं समझता, बस अपने आप को मैं बेहतर हूं, मैं अफजल हूं, मैं बरतर हूं। अना इस कदर याद रखना, ये गुरूर, ये घमंड, ये तकबर बर्बाद कर दिया करता है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना होना। याद रखना, किरदार से कभी नहीं गिरना चाहिए, गुरूर घमंड तकब्बुर नहीं आना चाहिए। मगर हमारे यहां तो ये हो रहा है, एक दूसरे से हम ज्यादा परेशान हैं, अपने आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आज सारी दुनिया मुसलमान की दुश्मन मुसलमान को मारने में लगी है, मगर मुसलमान वाह क्या अजीब बात है, तू खुद अपना तमाशा देखता है और खुद आपस में एक दूसरे से लड़ने में लगा है। इस दुनिया की सबसे मजलूम कौम का नाम मुसलमान है, सबसे मजलूम कौम का नाम मुसलमान है। क्या बात है, जो सबसे ताकतवर कौम थी वो आज सबसे मजलूम कौम बन गई। जिस कौम ने जिहालत के अंधेरों को मिटाया, जिस कौम ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया, जिस कौम ने जुल्मत को मिटाया, आज वो कौम जुल्मत के अंधेरों में पड़ी है। आज उस कौम को क्या हुआ, पसमानदगी उसने अपना मुकद्दर बना लिया। आज उस कौम को क्या हुआ, वो आपस के लड़ाई झगड़ों से निपटने को तैयार नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना इसी को मकसद जिंदगी समझ बैठी है। कितनी मजलूम कौम है, तमाशा भी खुद का है और तमाशा भी खुद बनी हुई है। दुनिया हंसती है इस कौम पर, इसका तमाशा बनता है और यह कौम अपना तमाशा खुद देखती है। आज इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीकों से इस कौम मुस्लिम पर हर बेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सताया जा रहा है। और ये हमारी आपकी सुस्ती, आपस की लड़ाइयां, आपस की अना, इस अना ने बर्बाद कर दिया। अब बात सिर्फ हम तक हमारी जात तक नहीं रह गई, अब बात जात तक नहीं है, अब बात आगे बढ़ गई, अब लोग हमारी शरीयत पे हमला करने लगे। कर्नाटक
कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चला था वो पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर था, कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच का फैसला आया, उन्होंने कहा इस्लाम में पर्दा जरूरी है ही नहीं, तो फिर इस पर्दे पे बैन लगा दिया जाए हिजाब पर। किसने कहा था? हाई कोर्ट ने। फिर वो आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो मामला, बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया था आपने देखा था क्या था? मतलब अभी मुकम्मल जजमेंट तो नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में जो बातें कही है वो क्या है? आज जब हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया तो लोगों ने समझ लिया इस्लाम में नमाज जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि नमाज इस्लाम में जरूरी नहीं है, तो पर्दे की तो बात ही खत्म हो गई। पहले पर्दा छीना जाएगा, फिर नमाज छीनी जाएगी, फिर मस्जिदें छीनी जाएंगी, मदरसों पे तो आ गई बारी। यूपी के अंदर बन गया, नंबर लग गया, सर्वे होने लगा, मदरसे देखे जाएंगे, कितने मदरसे कहां कहां हैं। वो मदरसे जिन्हें मान्यता नहीं मिली हुई है उनका सर्वे होगा, लिस्ट बनकर जाएगी, कहां पे क्या होता है, कहां पे कैसे पढ़ाया जाता है, ये तो आप भी जानते हो। मदरसे में क्या होता है? मदरसे में टूटी चटाइयां मिला करती हैं, मदरसे में और क्या मिलेगा? मदरसे में वजू के लोटे मिलेंगे, और क्या मिलेगा? मदरसे में नौने हाल पढ़ते हुए मिलेंगे, मदरसे में कुरान मिलेंगे, मदरसे में मुस्तफा की हदीसों की किताबें मिलेंगी, मदरसे में दीन की किताबें मिलेंगी। मगर मदरसे के अंदर जो सर्वे किया जाएगा उसका मकसद ये नहीं है कि वो तुम्हारी किताबों को देख देखने आएंगे, उसका मकसद ये नहीं है कि वो तुम्हारी टूटी चटाइयां देखने आएंगे, उसका मकसद ये नहीं है वो तुम्हारे वजू के लोटे देखने आएंगे। ये तो उन्हें भी पता है मदरसे में यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मकसद ये नहीं है कि सर्वे करके वजू के लोटे देखे जाए, मकसद ये नहीं है कि टूटी चटाइयां देखी जाए, मकसद तो ये है कि पता लग जाए कितने मदरसे हैं, कितनों को ढाना है, कितनों पे बुलडोजर चलाना है, कितने मदरसों को बाकी छोड़ना है। तुम आपस में लड़ते रहो, तुम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते रहो, और तुम्हारे मदरसे हाथ से जाएंगे, फिर तुम्हारी मस्जिदें हाथ से जाएंगी। तुम देखते रहना, तमाशा तुम्हारा है, तमाशाई भी तुम बने हुए हो। बगदाद की तारीख याद किया कर लो, बगदाद की तारीख याद कर लिया करो, उस तारीख को भी कभी पढ़ लिया करो जब मुसलमानों ने यही रवैया अपना लिया था, जब कौम मुस्लिम ने यही शियार बना लिया था, एक दूसरे से लड़ने में लगे थे, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान थे। उस दौर में क्या हुआ? हलाकू खान जैसा, चंगेज खान जैसा जालिम इंसान आया। उस चंगेज खान ने क्या किया? उस चंगेज खान ने वो कयामत सुगरा बरपा की है, मुसलमानों का वो कत्लेआम किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तारीख पढ़ के देखो, कलेजा मुंह को आएगा। मीनारे बना दी सर काट काट के मुसलमानों के, इतना मुसलमानों को कत्ल किया। एक वक्त ऐसा आ गया था, लगने लगा था इस्लाम के मानने वाले खत्म, लगने लगा था दुनिया में अब मुसलमान नहीं रहेगा, लगने लगा था मुसलमान का नामो निशान भी खत्म। लेकिन सुनो सुनो, ये दीन मुस्तफा है, ये कभी मिट नहीं सकता है, चाहे लाख बड़ी बड़ी ताकतें आ जाएं, मगर याद रखना दीन मुस्तफा खत्म नहीं हो सकता है। मुस्तफा का लाया हुआ दीन दुनिया से खत्म नहीं हो सकता है, याद रखना मेरे अजीजों। मगर ये भी साथ साथ याद रखना, ये दीन जब जब खतरे में आता है, दीन कुर्बानियां मांगता है। हर दौर में कुर्बानियां मांगी गई हैं। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं मेरे अजीजों, दीनदार बनो, दीनदार, दीनदार बन जाओ, दीनदार अपने बच्चों को दीनदार बना लो। तुम जहां अपने बच्चों को जायदादें छोड़ के जाते हो, बिल्डिंगें बना के जाते हो, विरासत में उन्हें जंगल की जमीनें दे के जाते हो, सोना चांदी दे के जाते हो, अपने बच्चों को जमीन बाद में देना, सोना चांदी विरासत में बाद में देना, सबसे पहले
मोहब्बत दे दो। और अगर तुमने अपनी औलाद को नबी का दीन नहीं दिया, मुस्तफा का इस्लाम नहीं दिया, और अपने बच्चों को नबी की शरीयत नहीं दी और आका की मोहब्बत नहीं दी, याद रखना जमीन दे दी हो, जायदाद दे दी हो, बिल्डिंग दे दी हो, जो भी दे दिया हो, मगर याद रखना कुछ भी तुमने नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया तुमने। अगर इस्लाम दीन तुमने अपनी औलाद को विरसे में नहीं दिया, आज बताओ मुझे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को विरसे में दीन देते हैं? बहुत कम गिने चुने लोग हैं ना। आज तो हम लोग समझते हैं अगर बच्चे को हमने कुरान पढ़ाया, कुरान की तालीम दी, तो बच्चे की जिंदगी महदूद हो जाएगी, सिमट कर रह जाएगी, ये तो सोचते हैं ना। हाफिज़े कुरान बना दिया तो क्या करेगा, थोड़ी सी तनख्वाह मिलेगी, जिंदगी कैसे गुजारेगा। अगर बच्चे को आलिम बना दिया दीन का तो क्या करेगा, कैसे गुजारा करेगा, 7-8 हजार की तनख्वाह मिलती है। चलो इंजीनियर बना लेते हैं, चलो डॉक्टर बना लेते हैं, डॉक्टर बनेगा 1 लाख की तनख्वाह, 2 लाख की तनख्वाह मिलेगी, इंजीनियर बनेगा महीने में 1-2 लाख कमाएगा। हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना ले, मास्टर बना ले, इंजीनियर बना ले, हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ, शौक से बनाओ। इस्लाम कहता है खूब तरक्की करो, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को मास्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को आप इंजीनियर भी बनाओ, मगर सब कुछ बनाना सबसे पहले मुस्तफा का आशिक बना दो, सबसे पहले नबी का दीवाना बना दो, सबसे पहले उसे नबी का दीन सिखा दो। और अगर दीन ही नहीं सीखा उसने, नमाज 5 वक्त की फर्ज है, कितनी बोलो बोलो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मगर जब बच्चे को कुरान ही नहीं पढ़ाया, दीन ही नहीं सिखाया, तो उसे ये भी पता नहीं कितनी फर्ज है, और पता भी है कि 5 वक्त की फर्ज है तो पढ़नी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको सिखाया नहीं, उसको पढ़ाया नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसकी तखलीक का मकसद बयान किया, अल्लाह ने फरमाया इबादत के लिए पैदा किया है, किस लिए? इबादत के लिए। नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज करना इबादत, उमरा करना इबादत, ये तमाम चीजें, ये इबादत जब तक जिंदगी में शामिल नहीं, जिंदगी बेमाना है, बेमकसद है, कोई मतलब नहीं जिंदगी का, बेकार, यूं ही आए जमीन पे रहे, धरती का बोझ बने रहे, फिर कब्र में चले गए। याद रखना शरीयत मुस्तफा की तुम्हें मिली है, मुस्तफा जाने रहमत ने दीन दिया तो दीन, दीन इतना प्यारा जो अल्लाह का पसंद किया हुआ है। मेरे आका ने शरीयत दी है, दस्तूर हयात दिया है, अल्लाह ने कुरान दिया है, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान पे अमल करो। अल्लाह ने मकसद पैदा करने का बयान कर दिया, सबसे पहले आदमी को बनाया, ये तमाम चीजें मैंने आपकी खिदमत में रखी। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया तो किस तरह, हजरत हव्वा को बनाया तो किस तरह, उधर बैतुल मामूर है, इधर बैतुल्लाह है। याद रखना मेरे अजीजों, उधर फरिश्तों ने तवाफ किया है तो रब राजी हुआ है, इधर काबा रब ने बना दिया है। ऐ मेरे फरिश्तों, जब मेरे गुनाहगार बंदे तवाफ करेंगे मैं उनसे राजी हो जाऊंगा। ये सब कुछ मैंने जो आपके सामने रखा है, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, रोज़े अव्वल से शैतान दुश्मन है, वो बहकाना चाहता है, वो दिलों में वसवसे डालता है। हाँ, उसके बहकाने पर गुनाह भी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने तोबा का दरवाजा खोल दिया है। अगर गुनाह हो जाए तो रब से तोबा कर लिया करो, अगर गुनाह हो जाए तो नदामत के आंसू बहा लिया करो, अगर गुनाह हो जाए तो परवरदिगार
परवरदिगार की बारगाह में नदामत के दो आंसू बहाकर अल्लाह से फरियाद कर लिया करो, मौला गलतियां हो गई मुआफ करने वाला तू है, या अल्लाह गुनाह हो गए बख्शने वाला तू है। अल्लाह की अताएं भी देखना, उसका करम भी देखना, उसकी रहमतों को भी देखना, उसकी रहमतें अपनी आगोश में ले लेंगी, परवरदिगार की रहमतें अपनी आगोश में लेंगी। अल्लाह की कसम, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे अजीजों, बस मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ और इख्तिताम करता हूँ। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम मुझे आपको हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों अल्लाह उन्हें मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।